नांदेड़ में एमएसईबी और बंदी आजमा की लापरवाही से मजहबी मकामात मुतासिर हो रहे हैं। दशहरा होने के बावजूद गुरुद्वारा इलाके में सड़कों पर बंद लाइटों से सिख अकीदतमंद बरहम हो गए हैं। सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड की जानिब से नांदेड़ बल्दी आजमा को कई दिन से गुरुद्वारा इहाते में बंद पड़ी लाइटों को दुरुस्त करने की मांग की गई, लेकिन बल्दी आजमा ने अभी तक कोई दुरुस्ती का काम शुरू नहीं किया। बोर्ड के जिम्मेदारों ने एमएसईबी के अफसरों को इलाके की सूरत हाल से वाकिफ करवाया, लेकिन एमएसईबी के जिम्मेदारों ने भी कोई हलचल नहीं की। अब दशहरा करीब है और दुनिया भर से अकीदतमंद सचखंड गुरुद्वारा पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारान बैरूनी जायरीन के लिए फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। जायरीन को आमदरफ्त करने में कई तरह की दुश्वारियां पेश आ रही हैं। दशहरा त्यौहार के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से जायरीन गुरुद्वारे के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से नगीना घाट, बंदा घाट, गोविंद बाग और गुरुद्वारे के अतराफ के इलाकों में लाइट बंद होने के सबब सिख जायरीन को आमदरफ्त करने में कई तरह की दुश्वारियां पेश आ रही हैं। गुरुद्वारा बोर्ड के जिम्मेदारों ने नांदेड़ बल्दी आजमा के जिम्मेदारान को इंतबाह दिया कि अगर दशहरे से कबल गुरुद्वारा इलाके में बंद पड़ी लाइट को जल्द शुरू नहीं किया गया तो सिख समाज की जानिब से नांदेड़ बल्दी आजमा के रूबरू एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी जाएगी। दशहरे के उपलक्ष्य में तखत सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहब गुरुद्वारा बोर्ड की ओर से पिछले 23/9/2019 को महानगर पालिका नांदेड़ में आयुक्त साहब को गुरुद्वारा बोर्ड की ओर से निवेदन दिया गया था कि दशहरे के उपलक्ष्य में हजारों के तादाद में दल पंत साध संगत पूरी पंजाब से देश विदेश से आने वाली है, नांदेड़ शहर में दाखिल होने वाली है। उससे पहले पिछले 4 साल से गुरुद्वारा परिसर, नगीना घाट साहब, बंदा घाट साहब, गुरुद्वारा सचखंड के परिसर में पिछले 4-5 सालों से 70% लाइट बंद है। गुरुद्वारा बोर्ड की तरफ से, संगत की तरफ से यही मांग थी नगर पालिका को कि भी दशहरे के उपलक्ष्य में जल्द से जल्द आपने लाइट चालू करना चाहिए। आज हम खुद विद्युत विभाग के सतीश ढवड़े सर के पास हम सवेरे ये मांग लेकर गए थे कि साहब, आपको गुरुद्वारा बोर्ड की ओर से पिछले 23/9/2019 को निवेदन दिया गया था कि जल्द से जल्द लाइटें चालू की जाए, पर आज तक वो लाइट चालू नहीं हुई। सतीश ढवड़े सर ने आश्वासन दिया था कि आज दोपहर तक आपके पूरे परिसर की, बंदा घाट से नगीना घाट तक की लाइट शुरू हो जाएंगी। उसके बावजूद हमने शाम में कॉल किया कि साहब अभी तक यहाँ पर लाइट शुरू नहीं हुई। फिर वो बता रहे थे कि कुछ अधिकारी सोए वाले हैं, वो अभी तक आए नहीं। अगर से यहाँ पर कुछ हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? महापालिका है, क्योंकि हजारों के तादाद में संगत आने वाली है, उसके बाद घोड़े हैं, हाथी है, हजारों संगत है यहाँ पर, उसका जिम्मेदार नगर पालिका रहेंगी अगर से यहाँ पर कुछ दुर्घटना होती है तो। अगर से महापालिका, नगर पालिका कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो सिख समाज के तरफ से बड़े पैमाने पे निषेध किया जाएगा। 4-5 दिन हो गए आए को यहाँ, तो कहीं जहाँ जाओ वहीं पर नेरा, ना कोई लाइट है यहाँ पर, ना कोई सुविधा अच्छे से और ना ही कोई फैसिलिटीज है यहाँ पर। कोई भी जहाँ मर्जी चले जाओ, जो मर्जी गली में जाओ, जो मर्जी रास्ते में जाओ, सब पसे अंधेरे अंधेरा है। तो इनको चाहिए कि प्रबंधकों को कि लाइट का प्रबंध करें, और ना शौचालय में लाइट है और ना ही इधर किसी रास्तों में लाइट है। इनको चाहिए कि साल में एक प्रोग्राम होता है तो अच्छे से प्रबंधकों को लाइट का प्रबंध करना चाहिए। जहाँ मर्जी चले जाओ वहीं बस अंधेरा ही अंधेरा। इसके लिए सरकार को, प्रबंधक को चाहिए कि लाइट का प्रबंध करें और शौचालय में भी अच्छे से देखें कि शौचालय में भी लाइट नहीं है।